ये है अपनी ग्रैंड रिवर और इसके ऊपर बसा है ये ब्रैंड फोर नाम का शहर जो देखने में काफी अच्छा है। इसकी अपनी एक हिस्ट्री रही है, तो इवन वर्ल्ड वॉर के टाइम से ये लोग काफी एक्टिव थे। और ये जो शहर का नाम पड़ा है ब्रैंड फोर, ये एक तो कसिनो है और ये वही ग्रैंड रिवर है जो नियाग्रा फॉल तक जाती है। दूसरा, इस शहर का नाम ब्रैंड फोर्ड पड़ा है क्योंकि ब्रैंड जो लीडर था यहाँ का एक, उसने सिक्स नेशन को इकट्ठा कर दिया था। तो दिस इज चर्च, इट्स बिलोंग टू सम कैथोलिक ग्रुप हियर एंड सेटलमेंट होते होते धीरे धीरे 19वीं सदी के बाद ये शहर अच्छे से उभर आया है। घूमने के लिए ट्रेल्स हैं जो नदी के साथ साथ काफ़ी लंबी जाती हैं, तो आप अपने फ्री टाइम में यहाँ के घूम फिर सकते हैं। इट्स अ नाइस प्लेस टू वॉच अराउंड और यू वांट टू स्पेंड सम टाइम इन द नेचर, इट्स अ गुड प्लेस टू बी। और तो काफ़ी डक्स वगैरह दिख जाएंगे आपको, लाइक दे आर फीडिंग देयर बेबीज एंड दे गेटिंग रेडी फॉर द डे अहेड। तो यही था। तो ये जो इसका इलाका है वो दूसरी तरफ ब्रैंडफोर्ड के दूसरी तरफ है, जो मोहाक जाति से बिलोंग करता है। तो इंडिजिनस पीपल है, उनको एक अलग से ही कम्युनिटी दे रखी है। बाकी हेरिटेज प्लेस ये यहाँ का सिटी हॉल है, विच हैव इट्स ओन हिस्ट्री। और शहर के बीचों बीच एक स्केटिंग ग्राउंड है, मतलब बच्चे यहाँ आके आइस स्केटिंग सीख सकते हैं, तो अच्छा है काफी। और जब मौसम में हवा चलती है तो बहुत ठंडा हो जाता है, अभी -2 डिग्री के करीब तापमान है यहाँ का। अगेन दिस पार्क इज डिनोटेड टू मोहाक लीडर ब्रांड एंड दीज इंडियन, यू नो देयर आर ऑल अ ग्रुप ऑफ सिक्स डिफरेंट नेशन एंड दे ऑल कलेक्टेड हेयर with the leadership of Brandt. So culturally देखा जाए तो काफी इतिहास रहा है इस शहर का, और ब्रिटिश के साथ जुड़े होने की वजह से इस शहर का अपना नाम है। ये इंडियन थे जो थाई डेंगू, मतलब इनकी एक ऐसा वुड का और आयरन को इकट्ठा कर दिया था। और ये शहर के अंदर डाउनटाउन का एरिया है, काफी क्वाइट है शहर, 1 लाख की पॉपुलेशन होगी यहाँ से। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, तो आपको काम की कोई परेशानी नहीं होगी इजिली। देर आर अ लॉट ऑफ वेयर हाउसेज एंड फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इवन इन इलेक्ट्रिकल एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट बहुत ज्यादा है। कोई खास ट्रैफिक भी नहीं, यू कैन जस्ट गो अराउंड इजिली विद इन 10 मिनट्स, यू कैन पास डाउन द होल ट्रैफिक। तो कहने का मतलब है ट्रैफिक इतना है ही नहीं, यू कैन यू नो वॉक अराउंड इफ यू गॉट कैपेसिटी, अदरवाइज यू हैव अ कार एंड गो अराउंड इन द टाउन। तो ये जो ब्रैंडफोर्ड शहर है, टेलीफोन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यही पहला आविष्कार किया था एलेक्जेंडर ग्रैहम ने। दिस इज ओनली सिनेमा वी गॉट एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, थैंक यू। वॉलमार्ट इज बिजी।